हाउ टू फिल सी इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर्म December 21 स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस। वीडियो के अंदर देखना ना भूलिए, आपके सारे डाउट्स वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो आपको ICA एग्जाम फॉर्म की जो वेबसाइट है उसमें जाना है और वहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। जैसे आप लॉग इन करेंगे आपके एग्जाम फॉर्म में अप्लाई ना हो रहा होगा तो वहाँ पर आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना है और आपका जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल होगा। जहाँ पर भी रेड डॉट है वो मैंडेटरी है आपको, वो आपको फिल करनी करनी है, पर जहाँ पर रेड डॉट नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मीडियम ऑप्टेड में आपको इंग्लिश और हिंदी में से सेलेक्ट कर लेना है। एग्ज़ाम अप्लाइड में आप बोथ ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप दे रहे हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। रीजन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर में अपने आप नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन और रजिस्ट्रेशन डेट, मान लीजिए आप अगर ऑब्वियसली अपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाए फाउंडेशन रूट से इंटरमीडिएट में, तो आपको रजिस्ट्रेशन डेट सेलेक्ट करनी है। और मान लीजिए आप ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट थे और न्यू कोर्स में आपने अगर कन्वर्ट करवाया तो आपको कन्वर्जन डेट सेलेक्ट करनी है। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप बोथ ग्रुप में से जो भी आप दे रहे हैं उसकी आप जो है उसके आगे जैसे आप टिक करेंगे तो आपके जो है डेट आ जाएंगे नीचे बॉक्स में, तो आपको फिल कर देनी है कि आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाया था CA इंटरमीडिएट में। फिर यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इफ एप्लीकेबल, तो इसमें आप देख सकते हैं रेड डॉट नहीं है तो ये ऑब्वियसली आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऑब्वियसली आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हैं तो आप फिल तो ऑब्वियसली इसे करेंगे करेंगे, और जिन्होंने भी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर रखी है। पिन में आपको कोई सा भी आप रैंडम नंबर लिख सकते हैं, जैसे 1234 और 4321। यहाँ पर आपको नीचे लिखना है कि आपने फाउंडेशन के एग्जामिनेशन को कब क्वालिफाई करा था। इसके बाद आपको फिल करना पड़ता है डिटेल्स फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी। इसमें आपको वो कैटेगरी जो है आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे होते हैं। सो इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट फॉल करते हैं क्योंकि फाउंडेशन रूट से होते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में जिन्होंने कन्वर्जन करवाया। और थर्ड कैटेगरी होती है डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो जिस भी आप कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो फाउंडेशन रूट्स होते हैं उनको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायरेक्ट एंट्री स्कीम और ओल्ड स्कीम वाले स्टूडेंट्स के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म, जितने भी इंटरमीडिएट स्कीम के लिए जो डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं वो मेजरली उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ना कि फाउंडेशन रूट वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने पास्ट अटैम्प्ट में अगर कोई एग्जामिशन दिया है और आपको उसने उसमें आपको अगर आपने क्वालिफाई करा है तो आपको उसकी डिटेल्स फिल कर देनी है। अगर आपके पास एग्जामिनेशन में कोई एग्जामिशन थी तो आपको वो डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन होगा, जहाँ पर आपको आई एग्री में क्लिक करके सेव एंड प्रीव्यू कर देना है। फिर यहाँ पर बेसिकली आपको प्रीव्यू दिखाएगा जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है, और अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल आपने सही से फिल कर रखी है तो आपको फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना है और आपके जो है पेमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट प्रोसेस कर देंगे तो आपका जो है ऐसा आ जाएगा यूर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। उसके बाद आपको डाउनलोड PDF में देखना है कि आपके जो है सिग्नेचर और जो आपका फ़ोटो विजिबल है कि नहीं है। अगर विजिबल है तो आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर विजिबल नहीं है तो क्या करना है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऊपर करना ना भूलेगा। सो होप करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे CA इंटरमीडिएट एग्जाम फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग में। और होप करता हूँ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे CA इंटर एस्पिरेंट के साथ, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलेंगे ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।